हेलो एवरीवन, दिस इज संजीत मेहरा। तो आज देखेंगे तो मैं कुछ काम से ऑफिस से जा रहा हूँ, है ना। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए सर, बहुत तरह से बोलता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ। बोलता है मैं लर्निंग भी बहुत करता हूँ, सीखता भी बहुत हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो मैं सीखता हूँ इसके बावजूद देखेंगे तो मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, है ना। तो क्या है, लर्निंग और प्रैक्टिस में डिफरेंस है सर। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करके अप्लाई करने पड़ेगा, है ना। अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए अगर आप सीख चुके हो लेकिन बिना प्रैक्टिस किए किसी के पास बोलने जाओगे तो ये जैसा आप सीखे हो, जैसा आप बोलना चाहते हो शायद ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो आप सीख चुके हो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। बोलता है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट बोलता है ना। तो क्या बोलता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जो भी सीखते हो कोशिश कीजिए इसको कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने का। मतलब कहीं पे जाइए, जैसे कि शीशा होता है ना, जो कि हम लोग फेस देखते हैं, मिरकल बोलता है, उधर जाके क्या है बोले तो दौरी में जाके देख के क्या बोलना है। तो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है कि मैं किस तरह से मैं अपना दोस्त से बात करना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ। अगर आप एक बार रूम पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्या, एक से दो बार रूम पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्या है ना, आपको कॉन्फिडेंस होता है और 75% ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका रहता है वो चीज़, है ना। तो क्या बोला जाता है, वो जो इम्प्रूव कर लेते हो उसके बाद में है ना क्या, तो प्लान दिखाने जाओ बाद में, क्योंकि बिना इम्प्रूव किए जाओगे तो जो आगे बढ़ने में जो होना चाहिए, मतलब जितना इम्प्रूव होना चाहिए उतना इम्प्रूव नहीं होने के कारण देखेंगे तो नहीं होता है, नहीं सक्सेस होने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगते हो, लोगों के साथ अप्लाई करने लगते हो तो बहुत आगे जाओगे। अब कुछ आदमी क्या गलती करता है, आज एक चीज़ सीखा, एक सेंटेंस सीखा तो उसी दिन 10 सीख लेता है, 20 उसी दिन पढ़ लेता है, लेकिन लास्ट में देखो तो एक भी माइंड में रहता है। तो क्या बोला जाता है, अगर आपको माइंड में रखना है या लर्निंग करना है तो क्या है, एक दिन में भले एक ही चीज़ सीखिए, एक से लेकर 5 के बीच में 5 ही चीज़ सीखे, लेकिन इसको पूरा दिन अच्छा से अप्लाई कीजिए। क्योंकि एक दिन आप 30 वीडियो देखोगे, 30 चीज़ सीखोगे, लेकिन 30 चीज़ में एक भी आपको प्रॉपरली मालूम नहीं तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। आपको तो लगेगा बहुत सारा आइडिया आ गया, लेकिन आपके पास खुद के पास अगर ज़बरदस्त नॉलेज नहीं है तो ये आइडिया काम कर लायक नहीं है। तो मैं इतना बोलता हूँ कि एक दिन में सिर्फ 5 ही नॉलेज क्यों ना सीखे, लेकिन इसको बढ़िया से अप्लाई कीजिए। क्योंकि पाँच ही नॉलेज एक दिन में सीखोगे तो 30 दिन में सोचो कितना जाएगा, 150 तक सीख सकते हो। 150 नॉलेज जिसके पास है वो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। अब प्लस में और आदमी क्या गलती करता है, हफ्ता ने एक दो दिन तक सिर्फ लर्निंग करता है, बाकी का दिन देखेंगे तो किधर रहता पता ही नहीं, मतलब लर्निंग पे ध्यान ही नहीं रहता है। तो क्या बोला जाता है, लर्निंग बोले तो आपके एवरीडे पढ़ना है। कुछ आदमी क्या करता है, मैं एक ही दिन में 5 घंटा पढ़ लूँगा सर, उसके बाद में एक हफ्ता तक नहीं पढ़ूँगा, ऐसा नहीं होता है। लर्निंग का पहले तो बोले तो 5 घंटा के डिवाइड कर लो ना, आप ताने कितना आ रहा है उसके हिसाब से एवरीडे पढ़ने का प्रैक्टिस बनाइए, ठीक है ना, पढ़ने का आदत बनाइए। जब पढ़ने लगोगे एवरीडे तो एवरीडे जो नॉलेज इंक्रीज होएगा आपको, वो चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि नॉलेज हम लोग का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि एवरीडे जो पढ़ता है वो हफ्ता में एक दिन पढ़ता है वो बहुत डिफरेंस है सर। एवरीडे पढ़ते हो जो पढ़े हो वही चीज़ को दोबारा पढ़ते हो तो आपको क्या बढ़िया से प्रॉपरली समझ नहीं आता है, लेकिन हफ्ता में एक दिन पढ़ लेते हो उसके बाद में अप्लाई करना चालू करते हो, आपको खुद को भी समझने नहीं आता है कि जो मैं 5 घंटा में पढ़ने वाला था, मैं 5 दिन में पढ़ने वाला, मैं एक दिन में पढ़ लिया, उसके हिसाब से देखा आपके माइंड में प्रॉपरली वो बैठता नहीं जितना बैठना चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए एवरीडे पढ़ने का, भले 15 ही मिनट क्यों ना पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है सर। क्या बोलता है, एजुकेशन चेंज एवरीथिंग। एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन और लर्निंग डिफरेंस है सर। सीखने से एजुकेशन आता है, एजुकेशन खुद नहीं आ जाता है। और लर्निंग क्या है, तो आप सीखते हो फिर जाके हाँ आइडिया आता है दिमाग में कि यार एक तरीके से गलती हो रहा था, इधर अप्लाई करने का ये मिस्टेक हट जाएगा तो मैं कुछ बढ़ सकता हूँ। तो क्या है, तो लर्निंग से एजुकेशन आता है, एजुकेशन से एवरीथिंग चेंज कर देता है, ठीक है ना। और सबसे गिनती बात देखेंगे तो टाइम, अगर आप टाइम को अभी फॉलो करोगे तो आने वाला दिन बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि टाइम इज एवरीथिंग, है ना। तो जहाँ तक हो सके आप टाइम का मतलब फॉलो कीजिए, आप फॉलो करने के बाद में आगे बढ़िए। आपको एवरीडे का टारगेट होना है, क्योंकि आप कोई भी फिल्म में अगर सफल होना चाहते हो तो आपके पास एवरीडे का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वही टारगेट आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सर, अगर आप गोल नहीं बनाओगे, अगर टारगेट नहीं लोगे तो आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आप तो जा रहे हो, आ रहे हो, ऑफिस जा भी रहे हो, आ भी रहे हो, सीख भी रहे हो,
लेकिन एक बॉल सेट होने ना होने के वजह से क्या है हम लोग का बहुत सारा दिक्कत आता है, ठीक है ना। मान लो एक एग्जांपल, अगर मान लो आपको कहीं पर जाना है लेकिन आप खुद देखिए, कहीं पर जाने के लिए भी आपको एक दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है कि मेरे को कल उधर जाना है या नहीं है। अगर आप कुछ तैयारी नहीं करोगे और टैक्सी वाले को रुका के वो टैक्सी में बैठ के बोलोगे, एक टैक्सी में बैठ जाओगे और टैक्सी वाला आपको पूछा कहाँ जाना है भाई, आपको खुद को भी पता नहीं रहेगा कि कहाँ जाना है, तो ये बैठाएगा आपको? नहीं बैठाएगा, क्योंकि आप बोलोगे तभी तो जाके कोई जगह छोड़ेगा ना। तो क्या एक गोल सेट हो गया कि मेरे को उधर जाना है प्रॉपर लिया और उधर जाके कुछ करना है, ठीक है ना। तो यही एक गोल सेट रखिए कि मेरे को 6 महीना ने, 1 साल ने, 3 साल ने और आने वाला 5 साल ने आप क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, क्या है। तो एक गोल सेट होने को मांगता है, गोल सेट हो जाता है तो आप सही डायरेक्शन में चल जाते हो। और गोल सेट होने के बाद में क्या है, तो आपको एक चैलेंजेस भी लिखना है, चैलेंजेस भी सेट करना है, क्योंकि गोल तो हर एक इंसान सेट कर लेता है ना, बोलने से गोल तो हर एक इंसान सेट कर लेता है। बट इसमें क्या होता है सर, हर एक इंसान एक गोल अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि चैलेंजेस नहीं लिखता है ना, क्योंकि ये गोल जो सेट किया, क्या पता है जो गोल पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा स्टडी करने पड़ेगा, ये जो गोल पूरा करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए इसके ऊपर काम करने पड़ेगा, इसके ऊपर पढ़ने पड़ेगा, है ना। तो क्या है, गोल के ऊपर चैलेंज फेस कीजिए, क्योंकि आने वाला दिन में कुछ दिन पैसे का भी दिक्कत आ सकता है, फैमिली का भी दिक्कत आ सकता है। जब आप गोल सेट कर लेते हो, जब चैलेंजेस भी सेट कर लेते हो कि अभी मेरे साथ ये चैलेंजेस आने वाला है, तो क्या है, तो आप तेज़ी से ग्रोथ करते जाते हो, बोले तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ ये चैलेंजेस आने वाला है, आपको पता था, गोल सेट कर लिए हो। जब चैलेंजेस आएगा तो क्या है, तो आप इसको वेलकम करते हो, आपको ऑलरेडी मालूम है ना कि ये सब चैलेंजेस आना है। तो क्या गोल सेट के साथ में आप चैलेंजेस भी सेट कीजिए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और गोल सेट किए और गोल सेट करने के बाद में क्या है, तो आपको प्लान बनाना है। अब मैं ये गोल सेट किया तो मैं इसको कितना दिन अचीव कर सकता हूँ और अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो क्या प्लानिंग करना है। क्योंकि बहुत सारे आदमी देखोगे गोल तो बना लेता है लेकिन बिना प्लानिंग के काम करते हैं। बिना प्लानिंग को काम करोगे, जो कि 6 महीना का गोल है, क्या पता 18 महीना भी लग सकता है, बिना प्लानिंग का वही होता है सर, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी भुगत चुका हूँ। तो क्या एक गोल होता है, उसको प्लानिंग कीजिए। आप प्लानिंग करके मान लो 6 महीना ना आप जो भी बनना चाहते हो, एग्जाम्पल आप स्टार डायमंड बनना चाहते हो, है ना। अब 6 महीना ना आप स्टार डायमंड बनना चाहते हो, तो स्टार डायमंड बनने के लिए कितना लाइन चाहिए आपको, तो क्लियर मालूम होने के मांगते हैं ना, ये मार्केटिंग प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट आपको मालूम होने को मांगते हैं ना, तभी तो जाके बन पाओगे ना। क्योंकि देखिए सर, स्टार डायमंड बनने के लिए क्या आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप 6 महीना ने बनना चाहते हो, अब 6 महीना ने आपको डिवाइड करना है कि मेरे को 6 स्टार एजेंट चाहिए अपना नीचे, 6 स्टार एजेंट चाहिए अपना नीचे ने, और ये 6 आदमी को क्या है, तो मेरे को स्टार एजेंट खड़ा करना है। अब स्टार एजेंट खड़ा करने के लिए क्या है, तो आपको महीना का टारगेट रखना पड़ेगा कि मैं 6 आदमी से कितने काम करवाऊँगा कि 6 महीना ने जाके क्या है, तो ये स्टार एजेंट बन पाएगा, ठीक है ना, जो कि स्टार एजेंट बन पाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये डिवाइड कर लेते हो ना, तो आपका और भी जो डाउट रहता है, सक्सेस का जो रास्ता रहता है, आप पूरा क्लियर हो जाता है और जो अचीव करना चाहते हो नज़दीक आ जाता है। मालूम है कि जब मेरे को 6 महीना ने स्टार डायमंड बनना है, मेरे को 6 स्टार एजेंट भी निकालना है, तो क्या है, तो आप महीना ने डिवाइड कर लेते हो, 6 आदमी कितने इतने काम होने को मांगते हैं महीना में, राइट। उसके बाद में देखिए, तो 6 महीना ने डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद में मंथली डिवाइड करने के बाद में आपको वीकली डिवाइड करना है, क्या है, तो हफ्ता भर में डिवाइड करना है, बोले तो हफ्ता में डिवाइड करना है। आप तो मंथली डिवाइड कर दे कि मेरे को कितना काम करूँगा तो आगे बढ़ पाएंगे, राइट, एक गोल अचीव कर पाएंगे। तो आप इतना तो मंथली डिवाइड हो गया, आपको क्या है, तो हफ्ता का वीकली डिवाइड करना है आपको, वीकली आपको हफ्ता में कितना काम करना पड़ेगा ये करने के लिए। क्योंकि जब वीकली भी आ जाता है ना, जब हफ्ता का जो टारगेट है ये आपका टारगेट पूरा होने लगता है, जब ये टारगेट पूरा फिक्स करने लगते हो, वीकली होने लगता है, तो क्या आप तेज़ी से ग्रोथ कर पाते हो, ठीक है ना। आप पता चल जाता है क्लियरली कि मेरे को हफ्ता में इतना काम करने पड़ेगा, फिर जाके इसके ऊपर एक्शन लेते हो, तो बहुत तेज़ी से आप क्या है, तो आगे बढ़ना चालू कर देते हो। यही सब होता है, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है सर, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी होने का मांगता है, मैं किस जगह कितना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओके ओके, बाय, सी यू।